हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम चंद्रशेखर और मैं हूं आपका स्टेनो टीचर करेक्ट स्टेप एजुकेशन से। आपके लिए आज एक वीडियो लेके आया हूं जो आपकी डिमांड पे थी। आप पूछ रहे थे मुझे कि शॉर्ट हैंड में पेंसिल का यूज़ और पेंसिल किस तरह से छीली जा सकती है, उसको कैसे छीलना चाहिए, तो उसके बारे में एक वीडियो लाया हूँ। आप ज़रा ध्यान से देखिए, आपके काम आएगी। मेन चीज़ है कि हम लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट हैंड को पेंसिल छीलने के लिए शॉर्पनर का यूज़ करते हैं। ये शॉर्पनर का यूज़ करना ज़्यादा इजी हो जाता है। कई बच्चे इसको शॉर्पनर को लेते हैं और पेंसिल लेते हैं, शॉर्ट हैंड की पेंसिल, और उसको शार्प करते हैं शॉर्पनर से। पर ये शॉर्पनर से, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि शॉर्पनर से एक अच्छी पेंसिल नहीं छीली जा सकती स्टेनो के लिए। तो आपको पहली बात तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्पनर का यूज़ ना करें, इससे बेटर है कि आप ये कटर का यूज़ करें। ये कटर आ जाता है मार्केट में, 10 रुपये का मिल जाता है, नटराज वगैरह बहुत सारी कंपनीज हैं उनका ये कटर मिलता है, 10 रुपीज़ का एक कटर मिलता है। तो शॉर्ट हैंड में एक चीज़ ध्यान रखिए, एक शॉर्पनर का यूज़ नहीं कीजिए, ये शॉर्पनर साइड में रखिए। रबड़ का यूज़ नहीं होता है शॉर्ट हैंड के अंदर लिखते समय, रबड़ को भी साइड में रखिए आप, ठीक है। और पेंसिल आपको जो लेनी है उसको कहते हैं HB पेंसिल, स्टेनो लिखा रहता है, स्टेनो HB पेंसिल। कई बच्चे क्या करते हैं, कोई डिफरेंट पेंसिल यूज़ करते हैं स्टेनो सीखने के लिए, तो वो सही नहीं है, तो वो ना करें तो बढ़िया है। आज सीखते हैं पेंसिल को छीला कैसे जाए। तो ये कटर है, ये कटर से आप देख रहे हैं पेंसिल एकदम दिख रही है आपको सामने, स्टेनो पेंसिल है। और मैं कटर को लेता हूँ तो आप मुझे कितनी पेंसिल छीलनी है इसके बारे में देखेंगे। तो मान के चले कटर का देखिए ये शेप है, तो आप यहाँ पर कटर को रखेंगे तो एक बार और ऐसे कीजिए, यानी कि मैक्सिमम आपको इस कटर की लेंथ का, यानी कि 1 और 2 इतना लेंथ, यानी इतना लेंथ पे आपको छीलना पड़ेगा। आप कटर को नाप लीजिए, 1 और 2, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए कटर की पेंसिल, पेंसिल को छीलने के लिए कटर से। अब उसके बाद पेंसिल को पकड़ने का तरीका क्या है कि हम कई बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल को ऐसे छीलते हैं ये झटके से, ऐसे ये ऐसे ऐसे छीलते हैं। इससे क्या होता है, ये पेंसिल प्रॉपर नहीं छील पाती। तो आपको क्या करना है, पेंसिल को हमेशा पीछे से ऐसे टाइट से पकड़ना है, इन दोनों उंगलियों से टाइट से पकड़ना है, और यहाँ पेंसिल को कटर को रखना है, और जो ये थंब है देख रहे, इस थंब को, इस वाले थंब को मैं इस पेंसिल से ऐसे रख के और इसको पुश करूँगा। अब मेरी कोई भी उंगली आगे नहीं है, मैं हल्के से पुश करूँगा, तो इस तरह से इस पेंसिल को छीला जा सकता है जैसे ऐसे। तो धीरे धीरे मुझे इसको क्या करना है, इस पेंसिल को धीरे धीरे छीलना है। बस मेरा मेन पॉइंट क्या है कि जो इसका ये पॉइंट है बीच वाला, ये मेरे से डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। ये बीच का जो लेड है, इस लेड को मैं ढंग से निकालना है बाहर, इसलिए तो धीरे धीरे आप हल्के हाथ से पेंसिल को इस तरह से छीलिए और चारों तरफ से बराबर छीलिए। आप झटके से पेंसिल मत छीलिए, इसे अंगूठे से ऐसे पुश करना है, ऐसे ऐसे पुश करना है, और पेंसिल को पीछे और थोड़ा थोड़ा पेंसिल को घुमा दीजिए दूसरे हाथ से। अब देख रहे हैं मैं पेंसिल को छील रहा हूँ आपके सामने तेज़ी से, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए आप, इसमें लेड आ गया बाहर, ये देखिए लेड आ गया, तो लेड पे ब्लेड नहीं टच होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा केयर देने दिखला के इस पेंसिल को छीलना है। तो हम पहले चारों तरफ से इस पेंसिल को छील लेते हैं, ये देखिए मैंने पेंसिल छील रहा हूँ चारों तरफ से, और जैसे लेड आएगा तो मैं वहाँ से स्लो हो जाऊँगा थोड़ा सा, और बहुत केयर से मैं उस लेड को निकालूंगा, ठीक है। तो अभी हम चालू कर रहे हैं, देखिए अब जैसे जैसे लेड आता जा रहा है, मैं बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से इसको छीलूंगा ताकि मेरा लेड जो है वो बिल्कुल क्लियर मेरे सामने बाहर आ जाए। ये देखो लेड आ रहा है, और लेड पे आप देखेंगे एक भी निशान ब्लेड का नहीं आ रहा है मेरे, और मैं बहुत आराम से बहुत तरीके से इस पेंसिल को छीलूंगा। अब इस पेंसिल को छीलने का एक्चुअली मकसद क्या है, अब ये देखिए, ये मैं लेड से चारों तरफ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से, ताकि मेरा लेड है वो मुझे साफ बिल्कुल एकदम क्लियर मिले, जरा सा भी उसमें कटा पटा ना हो, ताकि वहाँ अगर वहाँ गलती से ब्लेड लग जाता है तो वो क्या होगा, वो वहाँ से पेंसिल आपकी, आपको ध्यान रखना है कि बस आपका ये जो लेड है, ये देखिए लेड देख रहे हैं आप, एकदम कहीं से भी कटा हुआ नहीं है, देखिए कहीं से भी कटा हुआ नहीं है। तो इस लेड को अगर हम आराम से ऐसे आराम से निकाल लें, तो अब क्या है कि हमने ये पूरा लेड निकाल लिया, अब हमें सिर्फ आगे आगे से, यानी कि ये जो फ्रंट वाला इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा आधा, यानी जो 50% हिस्सा है, यानी कि इतना ब्लेड से इतना हिस्सा, इसको ही हमने आगे से शार्प करना है बस। अब ये देखिए कि पूरा का पूरा इसके अंदर अगर हम बात करें, लेड कहीं से भी नहीं कटा हुआ है, कहीं से कटा हुआ देखिए आपको कहीं से भी लेड कटा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो आपको ये लेड कटा हुआ कहीं से नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से पेंसिल को ऐसे रखना है, ये कटर को ऐसे रखना है स्ट्रेट एकदम, कटर को, ये कटर के जो ब्लेड है इसको एकदम स्ट्रेट रखना है ऐसे, और उसको आधे ब्लेड को, यानी कि आधी पेंसिल के ब्लेड को, इसको
आधे पे रखना है और आगे आगे से शार्प करना है, पीछे की तरफ से, यानी कि जो पीछे का हिस्सा है उधर से साफ नहीं करना, आगे आगे से साफ करना है। कैसे? ऐसे करके, जैसे मैं अब कर रहा हूँ आगे आगे से। तो थोड़ा मैं ऐसे ऐसे पेंसिल को धीरे धीरे ऐसे घुमाते रहना है, ऐसे ऐसे घुमाते रहना है, और ब्लेड को सीधा रखना है, एकदम सीधा रख के ऐसे ऐसे करेंगे तो आपकी पेंसिल, देखिए आगे से मैं साफ शार्प करता जा रहा हूँ, तो ये पेंसिल आपकी आराम से आगे, मैंने आपको पीछे से बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ फ्रंट का थोड़ा सा पेंसिल को शार्प करना है। तो अगर आप देखेंगे, मैं पेंसिल को ये छील रहा हूँ, अभी देखिए एक शानदार पेंसिल जो आपकी कटर से भी नहीं छील सकती, वो एक शानदार पेंसिल देखिए यहाँ से छील चुकी है। अगर आप देखना चाहेंगे इसको ध्यान से, तो ये देखिए ये आपकी पेंसिल एकदम शानदार कटर की तरह छील चुकी है। दिख रही है आपको? देखो ये देखिए बिल्कुल शानदार। अब ये मैं आपको इसलिए दिखला रहा हूँ कि ये क्यों मैंने इस तरह से करा है। मैंने इसलिए करा है कि इसको, ताकि आप इससे 800 वर्ड यानी कि 800 वर्ड आप इससे लिख सकते हैं इस पेंसिल से। खासियत इस पेंसिल की है, इससे आप 800 वर्ड तक, 200 वर्ड तक, 1000 वर्ड तक, यानी कि आप दो तीन डिक्टेशन लिख सकते हैं और ये पेंसिल आपकी ख़राब नहीं होगी, न टूटेगी। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, देखिए आप इसके अंदर देखिए पीछे की तरफ से ये जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ से जरा सा भी पेंसिल नहीं कटा हुआ है, यानी कि पेंसिल आगे से शार्प है। तो इसी तरह से पेंसिल को छीलने का एक तरीका है, आप इस पेंसिल को जो छीलने का तरीका है उसको ऐसे रखिए, ठीक है, तो उससे आपकी पेंसिल बहुत बढ़िया चलेगी और आप लॉन्ग टाइम तक चलेगी। और बाकी मैं इससे कहता हूँ, इसी तरह से जब भी आपको शॉर्ट हैंड करनी है तो मिनिमम आप 4 पेंसिल छील के रखिए, पेंसिल को हमेशा लेफ्ट साइड में रखिए, जब आप डिक्टेशन लिखते हैं तो डिक्टेशन लिखिए, और पेंसिल को हमेशा आपको अपने हाथ के इस तरफ रखना है। आप अपने पेज पे डिक्टेशन लिख रहे हैं तो फटाफट इस पेंसिल को छोड़िए, दूसरी पेंसिल उठाइए, फिर उसको छोड़िए, तीसरी उठाइए, अगर गलती से आपकी पेंसिल गड़बड़ जाती है तो ये बात ध्यान रखना आपको कि पेंसिल आपको इस तरह से छीलनी है, तो ये बहुत अच्छी पेंसिल छील जाएगी। ओके, तो इसी के लिए आप ये क्लास आपको कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। अगर कोई इसमें और कोई कुछ जानना चाहता है किसी और बारे में, शॉर्ट हैंड के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।